पे दे रख के दे दे सुनने बे चल चक के देखे आ जा बे आ दिखला दे बे That's the way रॉक का रब्दा दोस का धक्का हमें बे बे छुड़ा दे छक्का पार चाहिए समीर क्या भाई ऐसे अकेले अकेले ऐसे ही बस समीर और ऐसे ही क्या हुआ देवदास के हुए जा रहे हो क्या करूं फिर कूदूं कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना कूदने की राधे से बात हुई नहीं वही तो इसीलिए मुंह लटका हुआ है तुम्हारा मतलब ये कि अगर राधे से बात हुई होती ना तुम्हारी तो चेहरे पे ऐसे 12 बजे होते मस्ती कर रहे होते हो चल कूद कर रहे होते तुम भी ना समीर कमाल ही हो पता है समीर तुम्हारे दोस्तों ने कमाल कर दिया पूछो क्या क्यों ऐसा क्या कर दिया उन्होंने यार वो करण है ना उसकी एक दोस्त है बच्चों को पढ़ाती है कल उसके ऑफिस में कुछ गुंडे आ गए मारने के लिए पीछे पीछे करण भी पहुंच गया और उसके पीछे पीछे अली और राधे भी पहुंच गए फिर क्या था उन गुंडों की जो सिट्टी पिट्टी गुम हुई है ना कल कि पूछो मत पर मुझे तो नहीं बुलाया राधे ने नहीं बुलाया नहीं अच्छा अरे भूल गया होगा यार टेक इट इजी भूल गया होगा मुझे भूल गया होगा अरे यार जल्दबाजी में होगा इसलिए ऐसा हो गया जल्दबाजी में थे तो मुझे भूल गए समीर तुम ना बात का गलत मतलब निकाल रहे हो टेक इट इजी यार हाँ मेरी बात का मतलब तो हमेशा गलत ही होता है सही मतलब तो तुम सबकी बातों का होता है ना एक बात बताओ इतनी प्रॉब्लम है मेरे साथ तो बात क्यों करते हो तुम लोग मुझसे अरे समीर समीर क्या हो गया यार इसे दिल ढूंढता है जय हिंद जी ओहो बैठो बैठो जय हिंद मेरे पहलवानों तुम्हें कैसे मालूम था कि सर्दी की इस दोपहर की नरम धूप में मैं तुम्हें यही मिलूंगा सर आप ही को ढूंढ रहे थे सर आप कहीं ना मिले तो फिर सोचा यही होगे सर आपसे एक बहुत जरूरी काम भी था सर हाँ सर राय लेनी थी सर को क्या बात है सर सर करण के दोस्त ना है बरखा सर वो जो संस्था चलाती है हाँ? सर कल उसके सर ऑफिस में सर गुंडे पहुंच गए और पूरी तोड़फोड़ कर दी सर सर अच्छा हुआ सर वो लड़की वहां पर ना थी सर और बकत रहते करण पहुंच गया सर और सर इससे पहले गुंडों के साथ उसकी हाथापाई होती सर हम भी वहां पर पहुंच गए सर सर ये बात कुछ हद से आगे बढ़ती जा रही है कुछ करना पड़ेगा ना सर उन गुंडों के बस की कुछ भी ना है सर घबराने कोई बात ना सर देखो अली गुंडों से लड़ने के लिए खुद गुंडा बनना अच्छी बात नहीं है देखो कोई और रास्ता जरूर होगा लेकिन सर ऐसे तो सर उनकी सर हिम्मत और बढ़ जाएगी सर फिर जी सर मैंने ये कब कहा कि कुछ मत करो मैंने सिर्फ इतना कहा कि कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा सर ऐसा क्या है सर वैसा करना पड़ेगा सर आप ही को रास्ता दिखाओ सर मैं बताता हूँ तुम दोनों जाके डीएम साहब से मिलो हाँ या फिर एसएचओ साहब से मिलो एसएचओ साहब समझे ना सर वो थाने का जो इंचार्ज है जिसे इंस्पेक्टर भी कहते हैं अच्छा डीएम से मिलो या एसएचओ साहब से मिलो और उनको एक एप्लीकेशन दो पूरी तफसील के साथ हाँ पूरी डिटेल के साथ ये लो चाय लो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे सर सर उसी तरह सर जिस तरह सर हम स्पोर्ट्स अधिकारी से जाकर के मिले थे सर बिल्कुल और अंत में कामयाबी हासिल हुई ना हाँ सर ऐसा जोनल जीत गई थी सर उन्होंने हमारी मदद तो की जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सर कभी हिम्मत मत हारना जी जी सर जी और अली तुम अपने गुस्से पर काबू रखो जी सर बॉक्सर और गुंडे में बहुत फर्क है जी सर जी क्या फर्क है जमीन आसमान का जी
और क्यों है सर? क्योंकि सर सच्चाई के लिए लड़े हैं और... बॉक्सर सच्चाई के लिए लड़ता है, अपनी हिफाजत के लिए लड़ता है, गुंडा जी सर दूसरों की बर्बादी के लिए जी सर। अश्मा जी। अरे समीर, वो कुछ बात करनी थी आपसे। दी चलिए ना जल्दी। समीर मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, कल मिलते हैं ना। नहीं वो बहुत जरूरी काम है, अगर आप प्लीज आप समीर मैं कल बात करती हूँ ना। आप सुनिए ना समीर, कल बात करती हूँ। मैम मैम। अरे समीर, आज तुम इस रास्ते से कैसे? आपसे मिलने के लिए स्कूल गया था मैम। अच्छा? तो वहाँ आप मिले नहीं, आपको देखते यहीं चला आया। ओके, आज हमारी याद कैसे आ गई भाई? आपकी याद तो आती है मैम, वो आप जैसा कोई टीचर नहीं है ना हमारे कॉलेज में। ऐसा नहीं हो सकता, तुमने कॉलेज में देखा ही नहीं होगा, ज़रूर बहुत अच्छे टीचर्स होंगे वहाँ। पता नहीं मैम, हमें तो दिखता ही नहीं। गलत सोचते हो। अच्छा और बताओ, बाकी सब दोस्त कैसे हैं तुम्हारे? दोस्त ठीक ही होंगे मैम। क्या हुआ, ठीक ही होंगे मतलब? मतलब ठीक ही होंगे मैम। क्या बात है समीर, क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं मैम। समीर बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, कुछ तो बात है, क्या हुआ बताओ। मैम मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा पागल हूँ, लेकिन पता चल जाता है मैम। कैसे पता तुम्हें? मैम किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, टाइम ही नहीं है किसी के पास मेरे लिए। हाँ ये हो सकता है कि किसी के पास टाइम ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि फिक्र ना हो, ऐसा मत सोचो। मैम अगर फिक्र होती तो दिखाई देती है ना मुझको। किसी को फिक्र नहीं है मैम, कोई काम होता है तो मुझे याद करते हैं, इसके अलावा कोई मुझे याद नहीं करता कभी भी। समीर वो लोग होंगे ना तुम्हारे साथ? नहीं मैम, उनको तो दोस्त कभी चाहिए नहीं था, उनके लिए तो मैं बस एक चमचा था, चमचे की तरह। समीर ऐसा नहीं कहते, कभी भी ऐसा नहीं सोचते। समीर ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये हमें वैसे ही दिखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। अगर हम खुशी से इन रिश्तों को देखेंगे तो ये सब साफ दिखाई देगा। समीर अगर आंखों में आंसू भर लोगे ना तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। सोचना इस बारे में, सोचोगे ना? मैं चलती हूँ, घर पहुँचना है, ठीक है? आज मेरे को एक बात पता चली, इस पूरे स्कूल में ना मेरा एक ही पक्का दोस्त है, समीर। ये हंसता देख कर ना, एक बात क्या, मैं 50 बार छलांग मारूंगा। हाँ विद्या माता वाली कसम ये बोल। हाँ राजा जोना जाएगा तब मैं जोना जाऊंगा, राजा नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसा कोई काम है जो हम दोनों ने साथ ना किया हो? पढ़ाई साथ-साथ करते हैं हम, हाँ? मार साथ-साथ खाते हैं टीचर की, खाना साथ-साथ खाते हैं, मस्ती साथ-साथ करते नहीं करते? तभी तो बोलूं भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू। पूरे दिन तो तुझके साथ रहे, जहाँ वो जाता है वहीं तू जाता है।
जहाँ वो कहता है बैठ जा तो बैठ जाता है, और को उठ जाता है तो उठ जाता है। अरे मेरे भाई चमचा ही कहवे इसे। फालतू के पचड़ों में पड़ रहा भाई, और वो अकेला चला गया तू लड़ने के लिए, बहुत अकेला है तू, अकेला चला गया। उन लोगों ने मुझे तेरा चमचा कहा, तुम लोग मेरे ही मजाक बना रहे। आशा, आशा। अरे समीर, आयशा कहाँ है यहाँ? हाँ याद ही ना रहा मुझे, वो तो दिल्ली है ना। बैठ। आयशा क्या गई, तुम लोग तो नजर ही नहीं आते। पानी दूँ क्या? ना आंटी जी, पानी नहीं। और बता कैसा है तू, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी जी सब ठीक है घर में, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अरे तो खड़ा क्यों है, बैठ ना। अरे हाँ याद आया, आज सुबह मैंने सेवइयां बनाई थी, लेकर आती हूँ। ना ना आंटी जी, मन सा ना कर रहा कुछ। आशा कब आएगी वापस? ले पागल, अभी तो आशा को गए कितने दिन हुए, अभी छुट्टियां भी नहीं है तो वो कैसे आएगी? हाँ याद आती है उसको मेरी? उसको तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे सारे दोस्तों की बहुत याद आती है, राधे अली रज्जो सबकी बहुत याद आती है उसको। आंटी एक बात कहूं आपसे? ऐसा मेरी सबसे पक्के वाली दोस्त है, उसने कभी भी दिल नहीं दुखाया मेरा। समीर बेटा कोई परेशानी है क्या, बता क्या बात है? नहीं नहीं आंटी ऐसी तो कोई बात नहीं, वह आयशा की याद आ गई ना। अरे पागल तो चिंता क्यों करता है, छुट्टियां होंगी तो आयशा आएगी ना, और यहाँ पर तुम्हारे कितने सारे दोस्त हैं, राधे है रज्जो है और वो अली भी तो है, वो कितने अच्छे हैं और तुमसे वो कितना प्यार करते हैं। आंटी मुझे जाना है, वो मैं भूल ही गया, मैं फिर आता हूँ आपके पास। समीर बच्चा देख रहा भाई कितने कमाल है, हम थे अपने बचपन में एकदम भोंदू प्रसाद, एकदम बेवकूफ। अजी हाँ मतलब तुमने अपने आप को बड़ा मान लिया, चल अच्छा है किसी ने तो बड़ा माना। यार बचपन से याद आया यार, वो समीर पता नहीं कहाँ है यार आजकल, मिलता ना यार आजकल। रहूँगा नहीं तो आवे रोज सांझ को। अरे क्या आवे यार सांझ को, आता होगा भाई, कितने दिनों से इंतजार कर रहा, दिखता ना कभी भी वो। अरे समीर मजाक मत कर यार। पीछे समीर, समीर। अरे समीर ओ भाई कहाँ है तू भाई, चल चल चल। अरे चल ना मेरे भाई। अरे अली आ गया, ये बता तेरे को अभी तेरी बात करते हम लोग सबके सब, पूछ ना। सुना मैंने पीछे बचपन से याद आई ना तुझे मेरी? तो बचपन से? अरे नहीं पागल वो, अरे तू हमेशा हंसी मजाक करे ना इसलिए बोल रहा था मैं। और क्या अभी हम सब तुझे ही याद कर रहे थे। हाँ नुमाइश के सर्कस का जोकर हूँ ना मैं, हंसाता भी हूँ।
क्या हो गया समीर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो सही तो कह रहा हूँ मैं, जब भी तुम्हें कोई हंसाने वाला चाहिए होता तो तुम्हें मेरी याद आती है, या फिर जब कोई चमचा चाहिए हो फिर तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, है ना? समीर पागल हो गया क्या तुम? किसने कहा तुमसे ऐसा? सब पता चल जाता है भाई, आखिरकार पता चल ही गया ना मुझको, गधा था मैं तो, तक समझ ही नहीं पा रहा था। तू पागल है, मारूंगा तेरे को, बता रहा हूँ मैं। यार यार मेरे भाई, वो सतपाल ने ना तेरे दिमाग में जहर भर दिया, इसलिए तू पगला गया है। तो तू बिल्कुल ठीक कहा है उसने, गलत आदमी भी ना कभी कभी सही बात कर देता है। बात सुनोगे हमारी? क्या हो गया तुम? और मुझे कुछ नहीं सुनना है, बहुत सुन लिया मैंने तुम लोगों का, अब तक करता क्या आया हूँ मैं, ये तो क्या पूरी जिंदगी सुनता आया हूँ बस तुम लोगों की, तुम बोलते आए मैं सुनता रहा हूँ बस। राधे ने कहा कि जज्जी में चलना है, चलो मैं तैयार हूँ हमेशा। आशा ने कहा कि गन्ने लेकर आओ, हमें ठीक है मैं लेकर आता हूँ गन्ने। तुमने कहा घुमा के लेके आ जाओ समीर, मैंने कहा ठीक है यार दोस्त तू लेकर आऊंगा, घुमा के मैं ले गया तुमको घुमाने के लिए, जो तुम बोलते रहे मैं करता रहा। आशा की प्रैक्टिस कौन कराएगा? समीर कराएगा। पार्टी कौन देगा? समीर। चाय समोसे सब कुछ समीर करेगा, मैं करता था कि हाँ यार दोस्त तू तुम्हारा, जिगरी दोस्त तू, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? दोस्तों कभी था ही नहीं यार मैं तुम्हारे लिए, क्या क्या बोलते हैं वो, टेम पास था तुम लोगों के लिए, तुम्हें बस टेम पास, जब जरूरत होती थी तब समीर को याद करते थे। ऐसे के लिए लड़ाई लड़ने जाना, हाँ समीर को बुला लो, और कल बच्चों की पढ़ाई के लिए जब गुंडों से लड़ने जा रहे थे तब ना याद आया तुम सबको समीर, तब समीर समीर को ना यार, समीर को क्यों बुलाए, छोड़ना। अब पता चल रहा है मुझको, शुरू से अकेला था यार मैं तो, तब अकेला था अब अकेला हूं, मैं तो कभी कोई था ही यार, कभी कोई नहीं था मेरा। सही कह रहा है, तू समझ गया पूरा, सब समझ गया भाई। मुझे समझ ही ना आ रहा तेरे से क्या बात करूं, क्योंकि तू ना दोस्त ना समझा मैं, मगर एक मुश्किल है भाई, पता क्या मुश्किल है, कि हम तेरे को अपना दोस्त ना समझे तो उससे कहीं ज्यादा समझे, बहुत ज्यादा। लेकिन तू ये समझ ना पाया, तुझे लगे ना कि हम, तू हमसे अलग हो गया, हमारी गलती है हम लोगों की, वरना तुझे ऐसे लगते ही, तुझे बताया अगर तू बचपन में मेरे साथ ना होता ना तो पता नहीं क्या होता आज मैं, पता नहीं कहाँ होता। यार समीर तेरे बिना तो हम अपनी जिंदगी सोच भी ना सकते, तो खुद ही बता यार, तू हमारी हर बात में शामिल है, और कल भाई हम कोई प्लान बना के थोड़ी गए थे, वो तो अचानक से पता लगा तो चले गए, तू बता तुझे कहाँ बुलाते हैं, कहाँ खोजते तुझे, पता है हम ना हमेशा पापा से तुम्हारे बारे में बात करते हैं, बताते कितना अच्छा है समीर, कितना सीधा, कितना भोला, कितना प्यारा है हमारा दोस्त।
कुछ ना पता मेरे भाई, बहुत भोला है मेरे भाई। एक बात बता, तुझे लगे तू मेरे साथ जज्जी पे जाए तो तू मेरा चमचा है, जैसा लगे यार। तेरे साथ साथ चलना, तेरे साथ साथ रहना अच्छा लगे मुझे। ठीक है यार, तुझे ये सब चीजें बुरी लगी ना, हर चीज के लिए माफी कर दे, हर चीज के लिए सॉरी। मेरे हर चीज के लिए जो छोटी छोटी बातें तुझे बुरी लगी, सॉरी। मगर देख, ऐसा मत कर यार मेरे साथ। समीर तेरे बिना जिंदगी पूरी ना यार, जिंदगी तो छोड़ यार, तेरे बिना एक शाम पूरी ना मेरी। और एक बात बता समीर, जब शाम पूरी नहीं होगी दिन कैसे पूरा होगा? और दिन पूरा ना हो ना तो जिंदगी पूरी हो सके क्या? इतने से बात पहले नहीं बोल सकता था क्या? अभी अभी लग रहा जैसे नीलकमल पे कोई फिल्म लगी है, मैं उसका हीरो हूँ। बन गया ना हीरो, हो गई तेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी, चल समझ से गिला। पैसे नहीं दूंगा मैं अब की। मैं दूंगा मेरे। आधी रोटी एक जलेबी, बादल में पकड़म पकड़ाई, कुछ जलते बुझते से लम्हे, आधा दिन तालाब किनारे, सारा आधा आधा मिलकर पूरा जीवन बन जाता है।